जय महाकाल। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संतिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु कृपा रूपेण संतिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। शक्ति की पूजा, शक्ति का वर्णन बिना उसकी कृपा के संभव नहीं है। हम अज्ञानी लोग क्या माँ के बारे में बात कर सकते हैं, हम अज्ञानी लोग क्या माँ की महिमा का वर्णन कर सकते हैं। नवरात्र, उसकी महिमा, नवरात्रों में किन देवियों का पूजन किया जाता है, आइए बड़े प्रेम के साथ, माँ की कृपा हुई तो मैं आपके सामने ये वीडियो लेके आया हूँ। आइए समझें कि नवरात्र क्या होते हैं। साल में जब जब मौसम बदलता है, ऋतु परिवर्तन होता है, तो उस समय हमारा शरीर अनेक प्रकार की बीमारियों से, तकलीफों से गुजरता है। इन्हीं बातों को ध्यान में रखकर हमारे ऋषि मुनियों ने इन चार समय में माता की पूजन की व्यवस्था की, ताकि भक्त माँ का पूजन करें और उनके शरीर को शक्ति मिले, क्योंकि शक्ति केवल माँ के पास ही है और किसी के देवी देवता के पास नहीं है, और शक्ति के बिना ये जीवन व्यर्थ है। साल में जो चार नवरात्रे आते हैं, उसमें से हम दो नवरात्रे जो कि हम गृहस्थियों के लिए हैं, उसकी ही चर्चा करूंगा, क्योंकि बाकी के दो नवरात्रे जो हैं वह उसमें 10 महाविद्याओं का पूजन किया जाता है और वह गृहस्थियों के लिए नहीं होते हैं। वह नवरात्रे जो माँ के साधक होते हैं, मूल रूप से उसमें तंत्र पूजा होती है। इसलिए इस वीडियो में मैं आपसे गृहस्थ जीवन में आने वाले जो हमारे चैत्र और अश्विन के नवरात्रे हैं, उसके बारे में आपसे बात करूँगा। चैत्र के नवरात्रे जो फरवरी मार्च अप्रैल के आसपास जो आते हैं, मार्च अप्रैल में, और अश्विन के जो कि जिन दिनों में रामलीलाएँ होती हैं, अक्टूबर नवंबर, तिथि आगे पीछे होती रहती है, कई बार सितंबर के एंड में भी आ जाते हैं, वह अश्विन के नवरात्रे होते हैं। नवरात्रों में 9 देवियों की पूजा होती है। इन देवियों के नाम हैं प्रथमम शैलपुत्री, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटे, कूष्मांडा चतुर्थकम, पंचमम स्कंद माता, षष्ठम कात्यायनी, सप्तम माता कालरात्रि, अष्टम माता महागौरी और नवम माता सिद्धिदात्री। ये माँ के 9 रूप हैं। आइए हम ये जानते हैं, समझते हैं कि माँ के ये रूप किस प्रकार से अलग अलग हैं और किस प्रकार से नवरात्रों में माँ की पूजा करनी चाहिए। प्रथमम शैलपुत्री, पहला दिवस, जिस दिन माँ के कलश की स्थापना होती है, जिस दिन खेतरी बीजी जाती है, वह दिन है माता शैलपुत्री का। माता शैलपुत्री, जिनको कहीं कहीं माता सती का भी नाम दिया जाता है, माता सती, जिनका जन्म प्रजापति दक्ष के यहाँ हुआ, और आप सब कथा जानते ही हैं कि कैसे भगवान शंकर ने उनको यज्ञ में जाने से रोका, लेकिन माँ ने कहा कि मेरे पिता के यहाँ यज्ञ है, बेशक हमें नहीं बुलाया है, लेकिन मुझे जाना चाहिए, पिता के यहाँ जाने के लिए कोई आज्ञा की जरूरत नहीं होती। और माँ जब गई, वहाँ भगवान शंकर का अपमान देखा, माँ ने योगाग्नि से अपने शरीर को वहाँ भस्म किया, और उसके बाद आप जानते हैं कि यज्ञ का विध्वंस हुआ। इसके बाद माता सती का पुनर्जन्म भगवान शंकर को पाने के लिए राजा हिमाचल के घर हुआ। राजा हिमाचल के घर पुत्री रूप में जन्म लेने के कारण माता का नाम पड़ा शैलपुत्री, जो शैल की पुत्री है, जो पर्वत की पुत्री है। माँ का बहुत सुंदर श्री विग्रह है। माँ ने अपने चारों भुजाओं में अभय मुद्रा, आशीर्वाद मुद्रा, कमंडल और शस्त्र धारण किया हुआ है। माँ का यह रूप अत्यंत शुभकारी है
और माँ अपने भक्तों का सदा कल्याण करती है। माँ वृषभ पर आरूढ़ है, बैल पर बैठी हुई है। और माँ अपने बच्चों को आशीर्वाद दे रही है। नवरात्र में माँ के इसी स्वरूप की पूजा की जाती है। अच्छी अच्छी जानकारियाँ सरल शब्दों में आपको दे सकें। ध्यान रखें, हमारा उद्देश्य केवल यही है कि धर्म की जो बातों को बहुत मुश्किल लोगों ने बना दिया है उससे दूर हों और लोग सरल तरीके से माँ की पूजा कर सकें। और जो लोग इस पूजा को इतना समय देकर नहीं कर सकते, वह केवल 9 बार नवान मंत्र बोलकर केवल माँ की ज्योत जागृत करें और माँ को बताशे लौंग का भोग लगाएं, माँ इतने से ही प्रसन्न हो जाएगी। ध्यान रखें कि माँ केवल आपके नियम की भूखी है, उसको और आपसे कुछ नहीं चाहिए। यह सब भोग प्रसाद तो हम अपनी इच्छा के लिए माँ को प्रसन्न करने के लिए लगाते हैं, लेकिन माँ जो है वह केवल यह देखती है कि मेरे बच्चे में मुझसे मिलने की, मेरे बारे में जानने की जिज्ञासा कितनी है। माँ बड़ी कृपालु है। यदि आपके पास कुछ है भी नहीं तो केवल माँ के आगे श्रद्धा के साथ हाथ जोड़ दें। मैंने पहले ही कहा कि भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। गोस्वामी जी ने रामचरितमानस के शुरुआत में इस दोहे को इसलिए लिखा क्योंकि वो जानते थे कि इतना बड़ा कार्य वो करने जा रहे हैं बिना विश्वास और बिना श्रद्धा के पूरा नहीं हो सकता। आप भी श्रद्धा और विश्वास के साथ इन नवरात्रों में माँ का पूजन करें। माँ की कृपा आप पे सदा बनी रहे। इन शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। जय महाकाल।